I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Welcome back to our channel and welcome to our first snow in Canada. Yeah. It's literally our first snow. बहुत ही amazing लग रहा है and ये खड़ी है राम प्यारी, इसके ऊपर भी सारी आइस हो गई and already अगर आप देखो नीचे तो हमारे जूते भी नहीं है, आज हमने लेने जाने हैं तो ये किचड़ बन चुका है but it's so beautiful. Yeah. ए, नहीं, 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 नहीं. जाएगी? जाऊं? अब वैसे तो हमने शॉपिंग करने जाना था बट आई थिंक वी प्लेड इन द स्नो फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर, आवर फर्स्ट स्नो इन कैनेडा एंड हम बहुत ही एक्साइटेड थे. एंड टुडे इज ऑल्सो द फर्स्ट डे ऑफ ब्लैक फ्राइडे सेल्स. अब इसके बारे में बहुत कुछ सुना है तो देखते हैं कि कितने डिस्काउंट्स लगे हैं. हमने सोचा था जब फर्स्ट नोगी तो उसका भी ब्लॉग बनाएंगे बट नीचे जाके रियलाइज हुआ कि इफ यू नॉट प्रिपेयर्ड, लाइक यू डोंट हैव द राइट शूज, देन इट्स नॉट सजेस्टेड एंड इट्स नॉट करेक्ट आल्सो टू गो एंड यू नो क्योंकि शूज ना थोड़े गीले हो गए और वो खराब भी हो जाएंगे. ये रियलाइज हुआ पहले जाके और ऊपर सारा जैसे यहाँ पे स्नो जमी ना तो ये सारा हो गया, दीज आर नॉट यू नो प्रॉपर अटायर, थोड़े से कपड़े भी गीले हो गए. और हमने सोचा ही था कि आज हम लोग विंटर शॉपिंग करने जाएंगे और हम बेसिकली जा रहे हैं बहुत दूर, नायग्रा आउटलेट मॉल जा रहे हैं, यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर है. और उसका रीजन ये है कि टोरंटो में लॉकडाउन अनाउंस हुआ है तो उसमें बहुत ज्यादा लाइनें होंगी, वैसे आज शायद ना भी हो लाइन बिकॉज स्नो हुई. आपको भी दिखाएंगे, फिर शायद नायग्रा फॉल्स भी हुए अगर ठीक था. देखो लेकिन क्या लगा जब तूने फर्स्ट टाइम ड्राइव किया लाइक ऑन स्नो, व्हाट डिड यू फील? मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं पता चला और काफी अच्छे होल्ड कर रहे हैं टायर वगैरह जो है, सो इट्स ऑल गुड. एंड व्हाट अबाउट द ठंड? मेरे हिसाब से तो उतनी ठंड नहीं है क्योंकि इट्स नॉट विंडी. हाँ, यू सॉ हमने ऐसे ही पहना हुआ था, ऐसा कुछ नहीं. हाँ, कुछ नॉर्मल हुडीज पहनी है, कुछ नहीं है, नॉर्मल हुडीज पहनी है, कोई लेयरिंग नहीं है एंड इट वाज नॉर्मल, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अभी हम टिम हॉर्टन्स पी रहे हैं एंड फिर हम निकलेंगे नायग्रा के लिए एंड थोड़ी शॉपिंग करेंगे. हम पहुंचे नागरा आउटलेट मॉल जहां पे वैसे ही बड़े बड़े ब्रांड्स काफी सस्ते मिलते हैं बट क्योंकि ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी थी तो एडिशनल 50% डिस्काउंट लगा हुआ था. तो इफ यू आर कमिंग इन द समर लाइक वी डिड, ऑलवेज वेट फॉर ब्लैक फ्राइडे टू शॉप फॉर विंटर्स, काफी बचत हो जाएगी. भारी है obviously. अभी दिखने में थोड़ी हल्की लगती है बट दिस हैज डाउन फेदर जो कि काफी वार्म होता है. अब मैंने जो जैकेट ली वो बहुत लाइट है, इट्स मेड ऑफ डक फेदर, इट्स नॉट एज वार्म, इट्स वेरी चीप. बट ये मैंने क्यों ली इसकी स्टोरी हम अगली वीडियो में बताएंगे.
अब हमारे फ्रेंड्स ने हमें कहा था आप जो भी जैकेट लो बट शूज में कंजूसी नहीं करना, सो वी बॉट द बेस्ट शूज, दे वर एक्सपेंसिव बट आई थिंक दे विल बी वर्थ इट। अब वैसे तो मार्शल्स काफी सही स्टोर है, यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें काफी सस्ते में मिल जाती हैं। बट हमें कुछ खास नहीं मिला। सो विंटर शॉपिंग चल रही है अभी, वी हैव बॉट अ फ्यू थिंग्स, जैकेट्स आ गई है, मेरे शूज आ गए हैं, नवजोत के शूज अभी हमने लेने जाना है। इट्स रियल स्कैटर्ड आउट, कुछ जगह मिल रहा है। अरे वहां पे मैं आपको बताऊं, मैं वैसे क्रिप मारने वालों में से नहीं हूं, बट इसमें मैं क्रिप मारूंगा बिकॉज जिस भी शॉप में जाते थे ना वहाँ पे 8 आयल होते थे, जिसमें से 7 आयल जो होते थे वुमेन होते थे और 1.5 आयल होता था मेंस का, और उसके अंदर भी आधी जो जगह थी ना वो उसमें नॉर्मल जो विंटर वेयर शूज नहीं, नॉर्मल शूज, फॉर्मल शूज और विंटर वेयर के 4-5 पीस शूज भी अच्छे मिल गए हैं। वी हैव गॉट गुड स्टफ, सिमरन को काफी अच्छे शूज मिले हैं एंड पैसे वैसे जितने लगे क्या करा ये ना, हम अभी ना बहुत स्कैटर्ड शॉपिंग करने वाले हैं, आपको अभी पूरी हुई भी नहीं है बिकॉज हमने ग्लव्स वगैरह लेने हैं, यहाँ पे ना जो वुलन कैप्स थे उसको क्या कहते हैं, टूक टूक, सो सिमरन विल टेक अ टूक, सिमरन सिमरन टूक अ टूक, ओके। बट हाँ मतलब ये सब हम अभी लेंगे तो हम ना एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम गाड़ी में क्या क्या विंटराइज कराना पड़ता है और अपने आप को क्या क्या चीजें चाहिए विंटर के लिए सही करने के लिए, तो वो सब हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। बट एंड द गुड पार्ट इज कि ये सब में जो BMO का अकाउंट जो हमने न्यू खुलवाया था उससे मतलब it's a big it's a lot of money and savings yaar kuch bhi ho wo to better hai and I think the offer is left for 1 month only agar aap december 4th of january tak hai offer, to agar aap december mein aa rahe ho to do avail that offer. it's amazing offer and offer bata dete hain, offer basically hai ki if you open an account, if you open a new account then you will get $300 as a primary you know account holder, aur agar aap kisi family member ko karte ho to aapko wo refer karne ke bhi $50 milenge and uske ilawa if you can open a locker as well, so locker the best offer, locker aap open karte ho uski jo annual fee hai that is just $55 okay. so that annual fee is $55 and $55 bhi wo waive off ho jayega, uske ilawa yahan pe jo banks hote hain usme jo monthly fee hoti hai, there is a monthly fee of you know operating the bank, that fee is also waived off for an entire year, to it's an amazing offer, you should definitely do that. to guys jo $600 ka total banta hai hisab kitab and $600 mein hamari winter shopping ho jayegi, so that's amazing, so do avail paise bach gaye ha yes Chale. Fabulous, our first snow day. Yay, yeah. अब a lot of people say कि आप Gap के brand ambassador हो क्या? काश ऐसा होता, but it's just that we love the brand and क्योंकि Black Friday की sale लगी है, तो Gap का चक्कर तो लगना ही था। हाँ जैसे स्की एंड वो वाले ना स्नो ग्लव्स ना वही तो चाहिए, ये देखिए भी हैं इधर, वो क्या अब यहाँ पे इतनी तरह के ग्लव्स थे कि हम कंफ्यूज हो गए, बट फाइनली बहुत कुछ ढूंढने के बाद हमें एक फ्लीस वाले ग्लव्स मिले जो कि लेदर एंड वाटर प्रूफ थे। देखिए इस पे साइज भी, तुम्हारा क्या साइज है हाथ का? ये दो क्यों है? अरे एक लार्ज के लिए ना, इट्स अ स्मॉल और मीडियम एंड देन लार्ज के लिए। लार्ज मेरा आएगा, आ गया। तो ये विंटर जैकेट यहाँ पे भी मिलती हैं, कोलंबिया की हैं, अच्छा ब्रांड है। अंधेरा एकदम हो चुका है, 5:30 हुए हैं वैसे अभी, बट यहाँ पे ना अंधेरा एकदम मस्त जल्दी आता है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो अभी हम DSW जाते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, जिस दिन जिस टाइम से मतलब आई थिंक 9 बजे से पहले, 9 बजे से बारिश हो रही है। It started with a little rain, then it turned to snow, and हम लोग घर से निकले तो स्नो थी, फिर अब बारिश हो गई है। हम नायगरा की तरफ आए ना, नायगरा थोड़ा साउथ के साइड आ जाता है, साउथ-ish आ जाता है, तो वहाँ पे जाके 3 डिग्री टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से वो बारिश में कन्वर्ट हो गई। अभी ब्रैम्पटन में सुना है बहुत तेज स्नोफॉल हो रही है, तो अभी हम जा रहे हैं अपने वापस साइड पे, तो देखते हैं होती कि नहीं होती। बाकी हम घर के पास जाएंगे, वहाँ पे DSW जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, जूते अगर मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो ये फिर से चक्कर लगेंगे। खेलने के लिए तैयार हूँ, हाँ ये एकदम तैयार है स्नो में खेलने के लिए, ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स नहीं है, ये नहीं खेल सकते अभी, तो नहीं हाथ से खेल लियो, फ्रॉस्टबाइट हो जाए तो चलूंगी ये कटेंगी और क्या होगा, ठीक है हाँ मतलब कहना बहुत इजी है।
जैसे जैसे टोरंटो की तरफ आते रहे वैसे वैसे स्नो बढ़ती रही। ये मेरा फर्स्ट डे था स्नो में ड्राइविंग का एंड आई कांट बिलीव दैट वी ड्रोव फॉर 200 किलोमीटर्स ऑन आवर फर्स्ट डे। देखो जी ये तो हमारे घर के पास ही स्नो निकली बहुत ही सारी। पागल तो जाए तो जा रही है जूते नहीं है हमारे पास वो वाले गीले हो जाएंगे। चल ठीक ये देखो जी गाड़ी की हालत सारा स्लशी आइस। मतलब ओह शिट मतलब लाइट तो फिर वो होती रहेगी कम जलती रहेगी जैसे ये वाली जो लाइट है इसमें सारा ही हो गया। तो गाइस अब हम वापस आ गए हैं क्योंकि हम DSW जाना था लेकिन DSW आई थिंक वीकेंड पे 6 बजे बंद हो जाता है। yes. तो हम फिर से जाएंगे आपको हमने दिखा दिया वीकडेस में 7 बजे बंद हो जाता है बट ये हम लोग थोड़ा लेट। और प्रॉब्लम ये है कि कल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है टोरंटो और पील में तो आई थिंक DSW बंद ही हो जाएगा तो हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा या देखना पड़ेगा या वैसे तो घर से बाहर जाना ही नहीं है तो अगर नहीं भी होगा तब भी चलेगा। अब एक प्रॉब्लम है आपने हमें देखा था हम नीचे खेल रहे थे और सॉक्स जो है वो मेरी गीली हो चुकी है तो हाँ हाँ सॉक्स गीली है मेरी तो सॉक्स एकदम गीली हो चुकी है तो बेसिकली ये वाले शूज आर नॉट यू नो गुड ऑब्वियसली इट्स नॉट वाटरप्रूफ स्पोर्ट्स शूज भी नहीं है स्नीकर्स हैं। शूज में कभी कभी जैसे आई मेरे जो पैर के ऊपर थोड़ी सी स्नो गई थी तो इट फेल्ट लाइक अ लिटिल चिली तभी तो मेरे पैर ठंडे लग रहे हैं मुझे। बट बहुत मजा आया स्नो के साथ हम आते रहे आपने शुरू में भी देखा होगा बाद में भी देखा होगा काफी ज्यादा मजा आया। थोड़ी बहुत शॉपिंग बची है हम अलग से वीडियो बनाएंगे जैसे हमने आपको बताया था जिसमें हम सारा कुछ बताएंगे कि क्या क्या खरीदना है क्या क्या नहीं खरीदना गाड़ी के लिए क्या करना है। विंटर टायर्स एकदम बढ़िया बाय है आई एम टेलिंग यू मतलब मैंने ऑल सीजन के साथ नहीं चलाया कभी भी बट आई कुड फील कि अगर मेरी इंडिया में ये गाड़ी चल रही होती तो मेरी गाड़ी स्लिप मारती 100% स्लिप मारती और रियली गाड़ी बहुत जैसे मसूरी में रिमेम्बर हमने थोड़ी सी स्नो पे चलाई थी हाँ, थोड़ी आइस टाइप स्नो थी बहुत मुश्किल होता है। और इनफैक्ट हमने जहाँ पे गाड़ी लगाई थी जहाँ पे हम अभी खेल रहे थे ना वहाँ पे जो गाड़ी लगाई थी वो एकदम आइस के ऊपर ही खड़ी थी गाड़ी एंड वो नॉर्मल अगर गाड़ी होती है वो नीचे की तरफ स्लिप करेगी 100% करेगी क्योंकि मतलब कोई ट्रैक्शन नहीं है ना उसमें तो 100% वेरी गुड बाय। एंड जितनी तेज हमारी सॉरी कोविड एंड जितनी तेज स्नो हो रही थी उस हिसाब से काफी बढ़िया। यस मेरे को भी फ्रेम में ले लिया थोड़ा सा अब ठीक नहीं वो गिरने वाले हैं हमारे सही से नहीं लगे वो सही से नहीं लगे वो तो गिर जाएगा कभी भी बस फिर अपने बटन ना गिर जाए बट एनीवेज गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।